हेलो दोस्तों, मैं कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ पोइम ओज़िमंडियास, जिसे पीबी शेलली ने लिखा है। ओज़िमंडियास पब्लिश्ड किया गया था इसे 1818 में, और ये बहुत ही मशहूर पोइम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पोइम है। और आई होप कि आप सभी ने इसका नाम सुना होगा, इस पोइम का नाम सुना होगा, और आप सभी इसके बारे में जानते होंगे। तो इस पोइम को आज हम डिस्कस करने जाएंगे। ये पोइम एक सोनेट है। यूजली एक सोनेट जो है वो 14 लाइन्स की होती है, जिसमें पहली 8 लाइन्स में कोई क्वेश्चन पुट किया जाता है और लास्ट 6 लाइन्स में उस पर या तो कमेंट किया जाता है या फिर उसका आंसर दिया जाता है। तो आज हम इसी पोइम को डिस्कस करेंगे। तो चलिए पोइम को पढ़ते हैं। आई मेट अ ट्रेवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड। मैं एक ट्रेवलर से मिला जो एक एशियंट लैंड से था। एंटीक मीन्स एशियंट, पुरानी। तो वो एशियंट सिविलाइजेशन, कोई सी पुरानी सभ्यता से था, किसी पुरानी जगह से था। एक ऐसे ट्रेवलर से, एक ऐसे मुसाफिर से मिला मैं। हु सेड, इसने कहा, टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन। दो बड़ी, बहुत बड़ी, वास्ट मीन्स वेरी लार्ज, दो बहुत बड़ी, और ट्रंकलेस मीन्स जिसके ऊपर का हिस्सा नहीं है। ट्रंकलेस लेड, ट्रंक इज द मेन पार्ट ऑफ द बॉडी, सो ट्रंकलेस इज द, दो बड़ी टांगे खड़ी हुई हैं। टू बास्ट ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन, स्टोन की, पत्थर की दो बड़ी टांगे खड़ी हुई हैं। स्टैंड इन द डेजर्ट, डेजर्ट में, डेजर्ट में दो बड़ी बिना धड़ वाली लाइनें, सॉरी टांगे खड़ी हुई हैं। नियर देम ऑन द सैंड, उनके पास, ऑन द सैंड, रेत के ऊपर, हाफ संक अ शेटेड बाय सेज लाइज। हाफ संक मीन्स धसा हुआ, आधा धसा हुआ। ए शेटर्ड, शेटर्ड मीन्स टूटा हुआ। बाय सेज इज द, बाय सेज मीन्स फेस। सो उस, उन टांगों के आसपास सैंड में, रेत के, रेत में एक आधा धसा हुआ, शेटर्ड, टूटा हुआ फेस पड़ा हुआ है। उस स्टैचू का जो फेस है वो आधा धंसा हुआ उन टांगों के पास पड़ा हुआ है। हुज फ्राउन, फ्राउन मीन्स एंग्री लुक। एंड रिंकल्ड लिप, रिंकल्ड लिप ऑल्सो शोज हिज एंगर एज वेल एज कंटेम्प्ट फॉर अदर्स। रिंकल्ड मीन्स झुर्रियों से भरे लिप्स। फ्राउन मीन्स, फ्राउन इज द एंग्री लुक, उसकी एंग्री लुक, उसके झुर्रियों से भरे हुए लिप्स। एंड स्नीर ऑफ कोल्ड कमांड, स्नीर मीन्स कंटेम्पचुअस लुक। कोल्ड कमांड इज व्हेन ही गिव कमांड टू हिज सोल्जर्स और टू अदर्स। जो किंग ओज़िमंडियास था वो दूसरों को अक्सर कमांड्स दिया करता था, और एक ऐसे कंटेम्पचुअस लुक दिया करता था, मतलब वो सभी को, जो दूसरे सभी लोग थे उन सभी को अपने इन्फीरियर समझता था, अपने हमसे अपने आप से कमजोर समझता था। इसीलिए वो, उसकी लुक थी जो, वो बहुत ही कंटेम्पचुअस लुक थी। दूसरों को जब भी वो देखता था, जब भी दूसरों के साथ डील करता था, तो बहुत ही कंटेम्पचुअस लुक देता था वो। टेल दैट इट्स स्कल्प्टर वेल दोज पैशंस रीड। तो जो वो आर्टिस्ट, जो स्कल्प्टर था जिसने उसके स्टैचू को बनाया था, उन्होंने इस पैशंस को, इन पैशंस को बहुत ही अच्छे तरीके से रीड किया था, पढ़ा था, और उस स्टैचू में उसको, उनको पोर्ट्रे किया था, जो साफ दिखाई देते थे, साफ साफ दिखाई देते थे उसके चेहरे से, वो जो पैशंस थे, वो जो उसके फेस पे, जो भी उसके फेस पे, जो भी वो रियल में था, वो कहीं ना कहीं उसको सामने दिखाई देता था उसके फेस पे। विच येट सर्वाइव स्टैम्प्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स। तो हालांकि वो स्टैचू टूट चुका है, लेकिन उसके जो पैशंस हैं, जो आर्टिस्ट ने पोर्ट्रे किया था, जो दिखाना चाहा था, वो उसके फेस पे, वो झुर्रियाँ, वो कंटेम्पचुअस लुक, वो अभी भी विजिबल है। हालांकि स्टैचू जो है वो तो टूट चुका है, लेकिन उसकी जो चेहरे पे झुर्रियां हैं, उसकी जो कंटेम्पचुअस लुक है, वो अभी भी विजिबल है। स्टैम्प्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स, स्टैम्प्ड मीन्स मार्क्ड, तो वो अभी भी मार्क्ड हैं वो चीज़ें, वो अभी भी कर्ब हैं उस पे। द हैंड दैट मोक्ड देम एंड द हर्ट दैट फेड। तो हालांकि वो आर्टिस्ट अभी नहीं रहा, लेकिन उस आर्टिस्ट ने, जिस कलाकार ने, जिस हाथों ने उस स्टैचू को बनाया था, उन चीज़ों को दिखाने की कोशिश करी थी, वो अभी भी जिंदा हैं। तो वो आर्टिस्ट भी कहीं ना कहीं उस स्टैचू के माध्यम से अभी भी जिंदा है। एंड ऑन द पेडेस्टल दीज वर्ड्स अपीयर। तो उसका जो पेडेस्टल था, जब जो बेस था स्टैचू का, उस पे ये शब्द लिखे हुए थे।
माई नेम इज ओज़िमंडियास किंग ऑफ किंग्स, मेरा नाम ओज़िमंडियास है, मैं राजाओं का राजा हूँ। लुक ऑन माई वर्क्स ये माइटी एंड डिस्पेयर, मेरे कामों को देखो, जो मैंने अचीवमेंट्स की हैं उनकी ओर देखियो, ये माइटी यू माइटी भगवान से कह रहा तुम भी देखो, और डिस्पेयर ये इंसान तुम भी देखो। नथिंग बिसाइड्स मीन्स, सो उन टांगों को, उस बेस को और इन वर्ड्स को अगर छोड़ दिया जाए, उसके आसपास कुछ भी नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है। राउंड द डिके ऑफ दैट क्लोजुअल रैक, उस क्लोजुअल रैक मीन्स द ह्यूज स्टैचू ऑफ द किंग, जो रियून्स है उस ह्यूज स्टैचू के, उसके जो डिस्ट्रिक्शंस हैं उसके आसपास क्या चीज़ है। बाउंडलेस एंड वेयर, बाउंडलेस मीन्स विदाउट एनी लिमिट्स, बेयर मीन्स नंगा। बाउंडलेस एंड बेयर द लॉन, लॉन मीन्स ओनली द लॉन एंड लेवल सैंड स्ट्रेच फार अवे। यूजली जब किसी सिटी का रियून होता है, जब कोई सिटी टूटती है, तो उसके कुछ रिमेन्स बिहाइंड रह जाते हैं, कुछ ना कुछ उसका टूट फूट जो है पीछे रह जाती है, लेकिन उस स्टैचू के आसपास सैंड के अलावा, रेत के अलावा कुछ भी नहीं है, और दूर दूर तक, यहाँ तक किसी की आंख जा सके उस तक, वहाँ तक कोई भी स्मॉल माउंट नहीं दिखाई देती, सैंड्स की कोई स्मॉल माउंट नहीं है, कोई हिल नहीं है सैंड की। तो ये बताता है कि जिस सिटी को, जिस पे कभी इतना प्राउड था ओज़िमंडियास, उस सिटी का अभी कुछ भी नहीं है, कुछ भी रिमेन नहीं है उस स्टैचू के अलावा, जिस सिटी को लेकर, जिसकी इतनी अचीवमेंट्स को लेकर इतना प्राउड फील करता था कभी किंग ओज़िमंडियास, उस सिटी का, उसका कोई भी रिमेन्स अभी बिहाइंड नहीं बचा है। तो ये इस पॉइंट से हमें ये सीख मिलती है कि वक्त, वक्त बहुत बलवान होता है। इंसान खुद को कहता है कि मैं बहुत बलवान हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ, आई एम द माइटी, बट जो टाइम है, टाइम बहुत ही ज़्यादा बलवान है इंसान से, इंसान कुछ भी नहीं है वक्त के आगे, वक्त के आगे कुछ नहीं टिकता। यहीं पे हमारी पोइम ख़त्म होती है। आई होप कि आपको ये पोइम अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको ये पोइम अच्छे तरीके से समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए, और इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।